यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब सवारियों से भरी रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। घटना के बाद चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। क्या नाम है आपका? रेखा जैन। क्या हुआ आपके साथ, कैसे चोट लगी आपको? मुझे पता ही नहीं, मैं तो नींद से आ रही थी, झपके से आ रही थी, मुझे पता ही नहीं चला एक्सीडेंट हो गया मेरा। कौन सी गाड़ी में थी आप? ये मैं नरोरा से बुलंदशहर जा रही थी। कौन सी गाड़ी? ये रोडवेज से। कहाँ एक्सीडेंट हुआ कुछ पता है? वैसे मुझे ध्यान नहीं है, वैसे बनिया ठेर बता रहे थे भैया। बस कहाँ लगी आपके? सिर में लगी है मेरा, हाथ में शायद फ्रैक्चर हो गया है, घुटने में। आपके साथ और कौन था? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो कहाँ जाने थे आप? मैं बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में कौन है आपका? मेरा कोई नहीं है, मेरी 8 तारीख थी। क्या नाम है आपका? मैं अशोक कुमार कुशवाहा, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, चंडीगढ़ से आ रहा था। हाँ, ट्रेन से उतरा, ट्रेन से उतरने के बाद मैंने रोडवेज पकड़ी और रोडवेज वहाँ से दोनों बसें, अब टाइम पूरा टाइम था उनका दोनों का, वो कह रहा था मैं निकलना है, वो कह रहा है मैं निकलना है, वहाँ से दोनों को भागना शुरू हुआ उन्होंने, कभी वो आगे कभी वो पीछे कभी वो आगे। उसके बाद में ये कौन सा पड़ता है, ये जहाँ स्टेशन हुआ है, तो वहाँ जाके ट्रक खड़ा था एक, तो एक बस आगे पीछे कर रही थी, तो ट्रक में एक उसमें लगी, उसमें कई एक आदमी की मौत भी हो गई उसमें। हाँ, मैं भी उसी बस में था। मेरे भी नाक में लगी है, हाथ में लगी है, पैर में लगी है, पैर मेरा डैमेज है। लगभग कितनी सवारी थी बस में? सवारी तो मैंने कोई गिनती नहीं करी, तो 40-50 सवारी तो है। बताते चले कि मुरादाबाद से एक रोडवेज बस सवारियों को लेकर अलीगढ़ के लिए आ रही थी। इसी बीच संभल जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम रसूलपुर केली पहुंची थी कि सड़क किनारे बजरी से भरे ट्रक में जा घुसी। बताते हैं कि बस तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी। भीषण भिड़ंत में जहां ट्रक और बस के परखच्चे उड़ गए, वहीं हादसे में रोडवेज बस के कंडक्टर सहित 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस में सवार करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मचने लगी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आनंद फानंद में सभी घायलों को बाहर निकाला गया और गंभीर रूप से घायलों को फायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि 3 मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक साथ तो नहीं छोड़ी जाती है, टाइम से जाती है। हाथरस डिपो की संभवतः बिना रिकॉर्ड नहीं है, बिना टाइम के आगे चल रही निकली, जिसको ओवरटेक करने के चक्कर में ये। अच्छा, कुछ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इस पे जो दोषी है उस पे कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बस की जानकारी मिली? कौन सी बस की, क्या नंबर था उसका? अभी नंबर तो पता नहीं चल पाया है, प्रयास कर रहे हैं बराबर पता करते हैं। अभी इसमें किन किन कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है? इसमें एक तो परिचालक दुर्घटना में, क्या नाम है उनका? श्याम सुंदर शर्मा। उम्र क्या थे? उम्र लगभग 35 वर्ष। और 2 अन्य यात्रियों की कैजुअलिटी हुई है। घायल कितने हैं इसमें? इसमें 6 यात्री घायल हुए थे, जिनका चंदौसी संयुक्त स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। उसमें 2 यात्री प्राथमिक उपचार लेकर के घर चले गए हैं, बाकी का इलाज चल रहा है। कितनी सवारी थी पूरी गाड़ी में? लगभग 50 यात्री थे। अच्छा, इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी विभाग की तरफ से? जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, अगर चालक का दोष है तो चालक पर कार्रवाई होगी। सर, एक अलीगढ़ मुरादाबाद ये हाईवे है, इस पर एक सड़क हादसा हुआ है सर, तो ये किस तरीके का पूरा घटनाक्रम है? आज सुबह करीब 7:30 बजे रसूलपुर कैली के पास मुरादाबाद से बस जा रही थी अलीगढ़ को, और रसूलपुर कैली के पास एक ट्रक खड़ा था जिसमें बजरी लगी, वो ट्रक पंचर है, और ये रोडवेज के ड्राइवर ने बाएं साइड से इसकी जबरदस्त मिलन की है। मौके पर 3 लोग की मौके पर मौत हो गई है और करीब 6 लोगों को हमने हॉस्पिटल भेजा गया है, और हॉस्पिटल में स्वयं उनका इलाज करा कि उनको 2 तो रेफर हो गए मुरादाबाद, 4 वहाँ से डॉक्टर ने बताया है कि 4 को ज़्यादा घायल रहे हैं, तो सिंपल दवा होगी जो हम छोड़ देंगे, और 6 जो था वो घायल थे उनको यहीं से वो चले गए हैं अपने अपने घरों, और गाड़ी जो बनियाठेर द्वारा गाड़ी को खींच के थाने में लाया गया है, और सारे जितने भी घायल थे सभी को पुलिस ने अपनी ही गाड़ी से कैरी करके हॉस्पिटल भेजा है।